2016 के ई कचरा व्यवस्थापन नियम के मुताबिक बंधनकारक मनपा प्रशासन ने भंगार व्यवसायिकों की बैठक ली। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक शहर के नागरिकों ने और स्थानीय स्वराज्य संस्था ने ई कचरा जैसे कि खराब मोबाइल चार्जर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु साथ ही CFL ट्यूबलाइट आदि की योग्य तरीके से व्यवस्था करना यह 2016 के ई कचरा व्यवस्थापन नियम के मुताबिक बंधनकारक किया गया है। इसमें नागरिकों ने गीला सूखा कचरा अलग अलग करने के साथ ही ई कचरा तैयार होने पर गीला और सूखा कचरा ना मिलाते अलग करना बंधनकारक है। उस मुताबिक इस नियम की प्रभावी अमल बजावनी शहर में की जाए इसके लिए मनपा के अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी स्वच्छता निरीक्षक और शहर के प्रमुख भंगार व्यवसायिक इनकी संयुक्त बैठक मनपा सभागृह में ली गई। इस समय चंद्रपुर शहर के ई कचरा और पुनर्चक्रीकरण के हाल की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित प्रमुख भंगार व्यवसायियों में से एक भी व्यवसायिक की ओर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकृत प्रमाण पत्र नहीं होने का पाया गया। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा भंगार व्यवसायिकों ने नोंदनीकृत होने का आवश्यक है इस संबंध मार्गदर्शन किया। ई कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 के मुताबिक ई कचरा अलग करते समय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बातों का मार्गदर्शन इस समय किया गया। कचरा चुनने वाले साथ ही भंगार व्यवसायियों की ओर काम करने वाले कर्मचारियों ने ई कचरा उठाते समय आवश्यक ध्यान दे इस संबंध चर्चा की गई। इस समय मार्गदर्शन करते सहायक आयुक्त धनंजय सरनाइक ने कहा कि आज के संगणक युग में साथ ही अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दैनंदिन उपकरण अपने जीवन का हिस्सा बनी है। बढ़ती मांग से और नए नए तंत्र ज्ञान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की संख्या बढ़ी है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल कर खराब हुआ कि वह हुआ ई कचरा, इसमें आने वाली वस्तुओं की सूची बड़ी होगी, लेकिन मोबाइल संगणक प्रिंटर मॉनिटर सीडी चार्जर और सभी तरह की बैटरी इसमें का महत्वपूर्ण हिस्सा। यह ई कचरा इतना हानिकारक है तभी निर्माण होने का प्रमाण और रोकने का प्रमाण बड़ा है। तंत्र ज्ञान में तेजी से होने वाले बदलाव इसका महत्वपूर्ण कारण है। मनपा के स्वच्छता निरीक्षक ने इस संबंध जन जागृति करे, साथ ही कचरा स्वीकारने वाले एजेंसी के लोगों ने ई कचरा अलग स्वीकारने के निर्देश उक्त बैठक में दिए गए। इस समय मनपा सहायक आयुक्त धनंजय सरनाइक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सब रीजनल ऑफिसर अजीत पाटिल, निरीक्षक राजू सूर्यवंशी, सभी स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।